जय हिंद दोस्तों, यहाँ पे माँ काली की पूजा हो रही है और साथ में AR बुकारवी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि धीरे धीरे लोग इस जंगल में बने काली माँ के मंदिर के सामने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाथ में अगरबत्ती लिए भरत सिंह, रावण रजवार, अनादि सिंह और लक्ष्मण रजवार। बोकारो झारखंड के अमलाबाद थाना क्षेत्र के तिलाटाड़ गांव में ।26 नवंबर 2021 दिन रविवार को ये चारों लोग BCCL के बंद पड़े कोयला खदान के बगल में बने सुरंग से जलावन के लिए कोयला निकालने जाते हैं और वहां फंस जाते हैं। चाल धसने से ये लोग सुरंग के अंदर फंस जाते हैं और करीब 4 दिन तक उस सुरंग के अंदर रहने के बाद जो है कि बाहर निकल आते हैं किसी दूसरी सुरंग के माध्यम से। यहां पर आप देख सकते हैं कि रावण रजवार किसी परिजन से बात करते हुए इस घटना की जानकारी वहां के ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू टीम और NDRF की टीम को बुलाई, लेकिन दोनों टीम ने जब इस घटना का मुआयना किया तो पता चला कि ये काम जो है कि दोनों टीम के बश के बाहर है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है और ये लोग खुद ब खुद अपने दिमाग से उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव की माँ बहनें किस तरह जो है कि पूजा और आरती करते हुए माँ काली की और बगल में बैठे पुजारी और परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं साष्टांग जो है कि नमन करते हुए काली माँ को ग्रामीण लोग और परिजन खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये देखिए काफ़ी भीड़ हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि बारी बारी से गांव के लोग माँ काली के चरणों में साष्टांग नमन कर रहे हैं, उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किसी तरह का रास्ता दिखाई नहीं देने लगा तो ये लोग माँ काली को शरण करने लगे और उनसे विनती करने लगे कि माँ काली हमें किसी तरह बाहर निकाल दो। और इधर घर के लोग भी मंदिरों में डेरा जमाए, माँ से विनती प्रार्थना करने लगे। दोस्तों आज इतनी खुशी क्यों है आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये लोग
आज बाहर आ गए हैं उस बिल से, जिंदगी और मौत से लड़ते हुए। आज दुनिया के सामने आप देख सकते हैं हाथ जोड़े बैठे हुए इन चारों की तस्वीर को मैं बार बार दिखा रहा हूं। वीडियो में देख सकते हैं कि काली माँ किसी महिला के शरीर में प्रवेश कर गई है और जमीन पर लेटी हुई वो साधारण महिला अब नहीं रही। उस पर काली माँ सवार है और लोगों के द्वारा जो वचन दिया गया था कि अगर हम जिंदा बाहर निकल गए तो हम आपके लिए जो है कि बकरे का बलि चढ़ाएंगे, राइट एंड लेफ्ट चढ़ाएंगे और सारी बातों की पुष्टि करते हुए वो जो महिला है माँ काली के रूप में लेटी हुई। लेकिन दोस्तों इस तरह की बात को चैनल सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन गांव के लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह गांव के लोगों का भरोसा और विश्वास काली माँ के प्रति आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं और इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में माँ काली का वचन को सुनते हुए और उनके द्वारा जो भी आज्ञा हो उनको पूरा करते हुए। हेलो हाँ किटा आप देख सकते हैं कि बकरों की बलि के लिए उनको पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि इतनी खुशी क्यों है, तो मैं बता दूं कि अगर चार जिंदगियां उस सुरंग में दफन हो जाती तो उसके पीछे ना जाने और कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। बकरों की बलि के बाद में ये पूजा संपन्न हो जाएगी और फिर जो लोग सुरंग से बाहर निकले हैं अब वो लोग नहा धोकर जो है कि अपने अपने घर जाएंगे।
देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग माँ काली के चरणों में सष्टांग खुद को अर्पित करते हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव के तमाम लोग माँ काली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, और इसी बीच में दोस्तों बकरे की बलि की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकता। और ये देखिए पुजारी और बकरे की बलि की तैयारी करते हुए, और इस पूजा के बाद में यहाँ पर चल रहे कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। सभी लोग नहा धोकर अब घर जाएंगे, क्योंकि ये लोग जब सुरंग के अंदर थे तो ये लोगों का कहना था कि जब अगर हम लोग निकल पाते हैं तो हम लोग बिना नहाए धोए जो है कि पहले पूजा करेंगे फिर घर जाएंगे।